जय सियाराम। प्रेमीजनों, श्री रामचरितमानस की यह 8 चौपाइयां आप अपने घर में भाव और श्रद्धा से नित्य पढ़िए, नित्य इसका पाठ कीजिए। आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। पूज्य संतों से सुना है कि परम पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि रामचरितमानस की इन 8 चौपाइयों का जिस परिवार में नित्य पाठ होता है, उस परिवार में अमीरी कितनी आएगी यह तो नहीं कह सकते, पर उस परिवार में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करेगी। यह 8 चौपाइयां रामचरितमानस के श्री अयोध्या कांड के शुरू में ही हैं। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। इसके बाद जो शुरू होती हैं चौपाइयां, जब ते राम ब्याह घर आए, यहां से लेकर के राम रूप गुण सील सुभाव, यहां तक 8 चौपाइयों का निरंतर पाठ करिए। 2 या 2.5 मिनट में यह 8 चौपाइयां पूर्ण हो जाएंगी। निश्चित रूप से भगवान श्री राम की कृपा से आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए हमारे साथ इन 8 चौपाइयों का पाठ कीजिए, गायन कीजिए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहीं सुख बारी। प्रेमी जनों, जब से भगवान श्री राम जी विवाह करके श्री धाम अयोध्या जी पधारे हैं माँ जानकी के साथ, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के पधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वृष्टि कर रहे हैं, बरसा कर रहे हैं। हो रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूं आई। ओ मनिगन पुरन नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। भक्तजनों, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी
सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और अति सुंदर हैं, सुंदर हैं। हो कहिन जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची कर तूती। विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। भक्तजनों, नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं, प्रसन्न हैं और भगवान के चंद्र स्वरूप मुखारविंद को देख रहे हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो के मनोरथ बेली। राम रूप गुण सीलु सुभाऊ, प्रमुदित हो ये देखी सुनिराऊ। भक्तजनों, श्री धाम अयोध्या जी में सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं, अर्थात आनंदित हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर चक्रवर्ती राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। भगवान श्री राम इस प्रकार श्री अयोध्या धाम में माता जानकी के साथ अपने महल में विराजित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचरितमानस की यह 8 चौपाइयां आपके जीवन को सर्वथा सदैव मंगल करेंगी। कल्याण मस्त। जय सियाराम।